ગીર સોમનાથના સમુદ્રમાં ભારત સરકારના સહયોગથી વિવિધ ત્રણ સંસ્થાઓ દ્વારા અરબી સમુદ્રમાં વેવ રાઈડર બોય લગાવવામાં આવ્યું છે જે સમગ્ર ગુજરાતનું પ્રથમ બોયું છે ત્યારે આ બોયા વડે સમુદ્રમાં ઉદભવતા મોજાની સ્થિતિથી અવગત રહી શકાશે કોસ્ટગાર્ડ નેવી અને માછીમારોને આનાથી અનેક લાભો મળશે દરિયાઈ આપત્તિ સામે કેવી રીતે રક્ષણ મેળવવું અને પહેલેથી જ આપત્તિથી દૂર રહેવાની જાણકારી રહેશે માછીમારોને સમુદ્રમાં માછલી કઈ તરફ વધુ છે અને તે માહિતી બોયા આધારે મળી શકશે ये तो हम पहली बार हम लगाए हुए ये गुजरात स्टेट में पहली बार लगाए हुआ है और पोरबंदर में भी लगाया हुआ हूँ लेकिन ये तो पहली बार है गुजरात में लगाया हुआ और इसमें वेदक का जो भी फोकासिंग है इससे मिलेगा ए, हम डेटा जो भी मिलेगा वो अपलोड करेगा वो इनकोइस नाम का एक संस्थान है उधर अपलोड करेगा और वो ये सब जो भी डेटा है वो आ, इनका एनालिसिस आन, करेगा और इसके बाद आ, हमको वेव का जो भी आ, वेव का जो भी फोकसिंग है वो मिलेगा इसके सर हमारा संस्थान में अभी एक रिसर्च प्रोजेक्ट चल रहा है ये तीन इंस्टीट्यूट का प्रोजेक्ट है एक हमारा सी का सी और सेकंड वाला इनकोइस करके एक इंस्टीट्यूट इन, है वो अहमदाबाद वो हैदराबाद वाला इंस्टीट्यूट है हैदराबाद बेस्ड इंस्टीट्यूट है और तीसरा है एन आई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी ये तीन इंस्टीट्यूट मिला के एक प्रोजेक्ट अभी चल रहा है इसमें वेव राइडर बॉय करके एक इंस्ट्रूमेंट लगा लगा दिया है ये इंस्ट्रूमेंट इसके पहले पोरबंदर में पोरबंदर में था और जूनागढ़ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी और इनकोइस और इंडियन कोस्ट गार्ड तीनों मिला के इसका मेंटेनेंस किया है